गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया और इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये हम आज डिस्कस करेंगे। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 से ही कंपनी के लिए समस्या बनी हुई थी। क्लाइव ने इस व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया तथा उसके काल में वार्षिक लगान व्यवस्था ही जारी रही। बाद में वारेन हेस्टिंग ने लगान व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा लागू की, किंतु इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ गई। इस व्यवस्था के दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण कृषक बर्बाद होने लगे तथा कृषि का पराभव होने लगा। 1886 में जब लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी तथा उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। अतः उसके सम्मुख सबसे प्रमुख कार्य कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था। प्रति वर्ष ठेके की व्यवस्था के कारण राजस्व वसूली में आई अस्थिरता एवं अन्य दोषों के कारण कंपनी के डायरेक्टरों ने कार्नवालिस को आदेश दिया कि वह सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को दुरुस्त करे और वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से स्थायी समझौता कर ले। डायरेक्टरों का यही आदेश अंत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य कारण बना। इसके फलस्वरूप भू राजस्व या लगान के संबंध में जो व्यवस्था की गई उसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में इस व्यवस्था में कुछ समस्याएं थी, जैसे समझौता किससे किया जाए, किसान से या जमींदार से, राज्य की पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में प्राप्त हो और यह समझौता कुछ वर्षों के लिए किया जाए या स्थायी रूप से। इन समस्याओं के संबंध में जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट एवं स्वयं कार्नवालिस में तीव्र मतभेद थे। अतः इन समस्याओं पर पर्याप्त एवं पूर्ण विचार किया गया। अंत में प्रधानमंत्री पिट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति डंडास, कंपनी के डायरेक्टर्स जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट तथा कार्नवालिस की आपसी सहमति से 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष के लिए समझौता किया गया, जिसे 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। भूमि पर उनका अधिकार पेत्रक एवं हस्तांतरणीय था। उन्हें उनकी भूमि से तब तक पृथक नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी व अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद या बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा अपनी जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था।
तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उन्हें रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित राशि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। मुख्य रूप से इसके दो उद्देश्य थे। पहला था भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी साम्राज्य के लिए सामाजिक आधार का कार्य करें। भारत में कंपनी के फैलते साम्राज्य के मद्देनजर अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उनके पास एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक आधार प्रदान कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने जमींदारों का ऐसा वर्ग तैयार किया जो कंपनी की लूट खसोट से थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए और कंपनी को सामाजिक आधार प्रदान करे। कंपनी की आय में वृद्धि करना। चूंकि भू राजस्व कंपनी की आय का अत्यंत प्रमुख साधन था, अतः कंपनी अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी। स्थायी बंदोबस्त के लाभ व हानि क्या थे? स्थायी बंदोबस्त में सबसे ज्यादा लाभ जमींदार वर्ग को हुआ, उसके पश्चात सरकार को भी इससे लाभ हुआ। इसकी हानि क्या थी? इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा वे खेतीहर मजदूर बनकर रह गए।